धरती सुंदर जीव जंतुओं से भरी पड़ी है, और जब हम बात करते हैं सुंदर जीव जंतुओं की तो हम पक्षियों को कैसे छोड़ सकते हैं। दुनिया भर में पक्षियों की 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ मौजूद हैं। उनमें से कुछ प्रजातियाँ ऐसी होती हैं जिनको हम रोज़ाना देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रजातियाँ ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ एक स्पेसिफिक लोकेशन में ही पाए जाते हैं। इस वीडियो में जानने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे सुंदर पक्षियों के बारे में, जिनको देखने के बाद आप कहेंगे ये तो कोई दूसरे दुनिया के लगते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, निकोबर पिजियन। इनका साइंटिफिक नेम है कैलोनस निकोबरिका। ये ज़्यादातर अंडमान निकोबर के आइलैंड में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई करीब 40 सेंटीमीटर तक होती है और ये एवरेज 8 से 12 साल तक जीते हैं। सिर ग्रे कलर का और बॉडी ग्रीन और कॉपर कलर से ढकी हुई होती है। पूंछ बहुत ही छोटा और सफ़ेद कलर का होता है। इनमें भी फीमेल्स मेल से थोड़ी छोटी होती है। नंबर 9, गोल्डन फिजेंट, या फिर इनको चाइनीज फिजेंट भी कहा जाता है। इनका साइंटिफिक नेम है क्रिसोलोफस पिक्टस, जो कि ज़्यादातर चीन के पश्चिम भाग में स्थित जंगलों और पहाड़ों में पाए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा ये कनाडा, यूएसए और कुछ यूरोपियन कंट्रीज के घने जंगलों में भी दिखाई देते हैं। इस स्पीसीज में मेल की लंबाई 90 से लेकर 105 सेंटीमीटर तक होता है, जबकि फीमेल की 60 से 80 सेंटीमीटर। मेल का सिर पीले रंग से ढकी होती है और शरीर लाल रंग से, लेकिन फीमेल की रंग लाइट ब्राउन होने की वजह से ये मेल जितना सुंदर नहीं दिखते। मेल फीमेल दोनों का पैर येलो कलर का होता है और इनका लाइफ स्पैन 3 से लेकर 5 साल तक है। नंबर 8, मंदारिन डक, जिसका साइंटिफिक नेम है एक्स गैलरिकल्टा। ये चीन के पूर्वी भाग और जापान में ज़्यादा देखी जाती है और इनकी लंबाई है करीब 40 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक। चोंच लाल रंग का होने के साथ साथ मेल का गर्दन का निचला हिस्सा पर्पल कलर का होता है, जबकि फीमेल में ये ब्राउन कलर का। खाने की बात करें तो ये छोटे कीट पतंग, मछलियाँ, पानी में उगने वाले पेड़ पौधे खा के अपना पेट भरते हैं। वीडियो अगर इसी बीच पसंद आ रहा है तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हर हफ्ते ऐसे मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। नंबर 7, रेस्प्लेंडेंट क्विटजल। इनका साइंटिफिक नेम है फार्माचरस मकिनो। ये मेक्सिको से लेकर पश्चिमी पानामा तक देखी जाती है। मेल की लंबाई 120 सेंटीमीटर तक होती है, जिसमें सिर्फ पूंछ की लंबाई 65 सेंटीमीटर है, जबकि फीमेल्स 40 से 50 सेंटीमीटर लंबी होती है, क्योंकि ना इनके पूंछ मेल से छोटी होती है। मेल फीमेल दोनों का शरीर ग्रीन कलर से ढकी होती है और चोंच लाल रंग से। ये प्रजाति छोटे कीड़े मकोड़े और फलमूल खा के अपना पेट भरते हैं। नंबर 6, रेनबो लॉरिकेट, जिसका साइंटिफिक नेम है ट्रिकोग्लॉसस मल्क्यूनस। ये तोते का ही एक प्रजाति है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित घने जंगलों में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर तक होती है और वजन 75 से लेकर 157 ग्राम तक। सिर नीले रंग का होता है, जबकि शरीर के ऊपरी भाग ग्रीन कलर। छाती का रंग पीला या शतरंज कुछ भी हो सकता है और चोंच लाल रंग का। ये ज़्यादातर फलमूल और सूखे नट्स खा के अपना पेट भरते हैं। इनकी लाइफ स्पैन 10 साल से भी ज़्यादा हो सकता है। नंबर 5, गोल्डियन फिंच या रेनबो फिंच। इनका साइंटिफिक नेम है चलोबिया गोल्डी। इनकी लंबाई 12 से 15 सेंटीमीटर तक होता है। ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। अपना पेट भरने के लिए ये सिर्फ बीज और सूखे दाने खाते हैं। उभय मेल और फीमेल के शरीर पर काला, हरा, पीला और लाल रंग की निशानी होती है। फीमेल मेल से थोड़ा फीका है, लेकिन कलर सेम होता है और पैरों का रंग पीला या शतरंज हो सकता है। नंबर 4, नॉर्दर्न कार्डिनल, साइंटिफिक नेम कार्डिनल्स कार्डिनल्स। इनमें मेल का शरीर पूरी लाल रंग का होता है, जो इनको दुनिया का सबसे सुंदर पक्षियों में से एक बनाता है, जबकि फीमेल का रंग ब्राउनी से रेड होता है। चोंच के चारों ओर एक काला मास्क टाइप का डिजाइन बना होता है, जो कि दिखने में काफी सुंदर लगता है। लंबाई की बात करें तो ये 21 से लेकर 23 सेंटीमीटर तक होती है और एवरेज वेट 45 ग्राम तक हो सकता है। ये 90% से ज़्यादा सिर्फ बीज, दाने और फल खा के अपना पेट भरते हैं। कनाडा के दक्षिण भाग, यूएसए और मेक्सिको जैसे नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। नंबर 3, इंडियन पीफल। इनका साइंटिफिक नेम है प्यावो क्रिस्टाटस। इसके बारे में आप पहले से ही जानते होंगे, क्योंकि ना ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इनकी लंबाई 2 मीटर या फिर इससे ज़्यादा हो सकती है, जबकि वेट 4 से लेकर 6 ग्राम तक। इनकी गर्दन पूरी तरह से नीले रंग से ढकी हुई होती है और पीछे की तरफ नीले आंख की तरह छोटे छोटे पंख होते हैं। समय समय पर ये अपनी पूंछ को पंख जैसे शेप में लाते हैं, जो इनका सुंदरता को बढ़ाता है। खाने की बात करें तो ये फलमूल, छिपकलियाँ, कीड़े मकोड़े खाकर अपना पेट भरते हैं।
नंबर दो ब्लू बर्ड ऑफ पैराडाइज, जिनका साइंटिफिक नेम है पैराडोसॉर्निस रूडोल्फी। इनकी लंबाई 30 सेंटीमीटर तक होती है। मेल्स में दो लंबे तार जैसा डिजाइन देखने को मिलता है, इसलिए इनकी लंबाई फीमेल से ज्यादा होती है। चोंच पीले कलर का और पंख ब्लू कलर का होता है, जबकि गर्दन और छाती का हिस्सा काला रंग का। अपने पेट भरने के लिए ये छोटे कीड़े मकोड़े, बेरीज और दाने खाते हैं। इस लिस्ट में बाकी पक्षियों के मुकाबले इनकी तादाद बहुत ही कम है। ये सिर्फ न्यू गिनिया में देखने को मिलते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास ही एक आइलैंड है। नंबर एक किलबिल टोकन, इसका इमेज देख के आप गेस कर सकते हैं ये क्यों नंबर वन पर। इनका साइंटिफिक नेम है रैम्फाटस सल्फ्यूराटस। ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जैसे मेक्सिको और कोलंबिया के घने जंगलों में पाए जाते हैं। इनका चोंच इनको सबसे खास बनाता है, जो कि ग्रीन कलर का है, सामने लाल और बीच में ऑरेंज कलर का स्ट्रिप होता है। शरीर की बात करें तो गर्दन पीले रंग और बाकी का हिस्सा काला रंग का है। चोंच के साथ इनकी पूरी लंबाई 40 से 50 सेंटीमीटर तक हो सकता है। पेट भरने के लिए ये जंगली फल और छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं। आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। आपको इनमें से सबसे सुंदर पक्षी कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।